कैसा लगता है आपको धुआं? पहले तो लगता था कि मगरब ठीक लगता अब ठीक है, लगता है। रोड की वजह से। अच्छा, आपसे प्यार ना करें तो लोग करें क्या? और क्या, जब पूरी अंग्रेज वाली कैप है ना। नहीं, हमारी इंडियन इंडियन आर्मी की है। हाँ, इंडियन आर्मी हाँ। की है ना, तो हम इंडियन आर्मी को सलूट करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है जम्मू कश्मीर के खूबसूरत पहाड़ों से। कल हमने अपलोड की थी वीडियो पनियालक की, आज हम अपलोड करने वाले हैं खजार को। खजार सचमुच बहुत खूबसूरत जगह है, चारों तरफ देवदार के पेड़, बीच में प्लेन है। तो बिना देरी के मैं अपना व्लॉग शुरू करता हूँ। ये पनियाला खजार है, कितना खूबसूरत है, जबरदस्त। मैं तो सोच रहा हूँ ये जैसे हम व्हाट्सएप हिमाचल में घूम रहे हैं। भाई साहब, आपका बैग भी बड़ा खूबसूरत है। है खूबसूरत बहुत। फाइनली हम खजार में पहुंच चुके हैं, चारों तरफ देवदार के लंबे लंबे पेड़ जैसे कि आकाश को छू रहे हैं। ये मुझे लगता है कि लगभग हम पहुंच ही गए हैं। यहाँ पर कुछ घर मुझे नजर आ रहे हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा लोकेशन। ये बीच में कुछ घर नजर आ रहे हैं यहाँ पर। और मौसम भी बहुत अच्छा है, धूप भी बहुत अच्छी है। और अब देखते हैं, थोड़ा भूख भी लगी है, खाना भी खा लेते हैं, तो आपको भी दिखाते हैं जगह कैसी है। तो ठीक है, आप एंजॉय लीजिए घर में बैठकर। ये बेहतरीन जगह है यहाँ पर। ये यहाँ पर एक हट जैसा बनाया गया है बैठने के लिए। यहाँ पर जो कुर्सियाँ वगैरह चेयर्स वगैरह लगी हुई हैं, ये चारों तरफ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इतनी खूबसूरत जगह है, ये देखो, वाह क्या बात है यार। ये सामने ये जगह कितनी खूबसूरत है, अब मैं आपको नफीस को भी दिखाऊंगा। इस प्लेस के बारे में जो यहाँ पे खूबसूरत जगह, क्या कहोगे इसके बारे में? हम खजार में हैं अभी, तो बहुत खूबसूरत जगह है। आपको जब भी मौका मिलता है आप आइए घूमिए इस इलाके में। गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं डुगन में, जो कि बनी तहसील से 15 किलोमीटर दूरी पर है ये, और बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। यह आपको मैं दिखाता हूं यहां पर। यहां एक हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी है यहां पर। यहां हाई स्कूल है, ब्लॉक है यहां पर, बहुत सी सहूलत है यहां पर। यहां लाइफ लाइन रोड है जो जाता है ढगर के लिए, और पक्का रोड है। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये डुगन वाली, यहाँ टूरिस्ट प्लेस जगह है। अगर यहाँ से आपने ढगर जाना हो तो आप ढगर भी जा सकते इसी रोड से। तो मेरी कोशिश यही कि यहाँ के लोग भी सपोर्ट करेंगे, लाइक्स कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। डुगन ब्लॉक ऐसी जगह है हमारी बनी वैली में, यहाँ पर बैक साइड में बड़े बड़े पहाड़ हैं। ये बैक साइड में आपको जो पहाड़ मैं आपको दिखा रहा हूँ सामने, यहाँ पर जंगली जानवर हैं, जैसे उरुड़ हैं, बड़े बड़े सींग जिस उसके होते हैं, वो भी इन पहाड़ों में है। तो अगर इनकी हफाजत की जाए तो बाहर से टूरिस्ट वाले आ सकते हैं यहाँ पर। ये मकान जो सामने है ये डॉक्टर शकील साहब का है, हमारी लड़की इस घर में होती है। आजकल पता नहीं वो जम्मू में है या कहाँ है, तो ज़रूर ये देखेंगे वीडियो।
बहुत ही अच्छा मकान है। कुमार साहब के लड़के हैं, हमारे जो लड़की है अशरफ उसके बच्चे हैं, बड़े क्यूट हैं, बड़े खूबसूरत हैं। फाइनली हम इस वक्त ढगर में पहुंच चुके हैं, जहां तक रोड जाता है वहां तक हम पहुंच चुके हैं। तो यहां से आगे हमें पैदल जाना पड़ेगा, अभी शाम का टाइम है इस वक्त। तो हमें नाइट स्टे जो है इस वक्त वो जा रहे हैं हम धमान में। चलते हैं। आपने जो मास्टर साहब सेवा हमारी की है ना, कोई सेवा नहीं किया हमने, भूल नहीं सकते हैं। ये सेवा होती है किसकी, इंसानियत यही है। ना करें तो लोग करें क्या, और क्या, या पूरी अंग्रेज वाली कैप है ना। नहीं, हमारी इंडियन आर्मी की है। इंडियन आर्मी की है ना, तो हम इंडियन आर्मी को सलूट करते हैं। अब यूनिक ही नजर आ रहा है। बुजुर्गों की टाइम से आजाद की हुई है, जिसे हम किरण कहते हैं, कश्मीर में यूट कहते हैं इसको। तो मैं इनसे बात करूंगा। बनी से धमान तक कितना किलोमीटर है? 32 किलोमीटर। यहाँ बर्फ वगैरह पड़ती है? कितनी? 2 फुट भी पड़ती है, 3 फुट भी पड़ती है। इन्होंने मुझे पहचान लिया कि आप लवांग के रहने वाले। तो ये हमारे गांव की है, हम तो अपना ही गांव समझते हैं, अपना घर समझते हैं रोल का। तो हमारे बड़े भाई जान जो हमारे शिवदेव जी हैं, तो उनकी बेटी है यहाँ पर ही धमान में। मैं बड़ा खुश हुआ, बाग बाग हुआ कि हमारी लड़की जो है धमान में है। तो आपकी शादी कब हुई है? 2014। कैसा लगता है आपको धमान? पहले तो लगता था ठीक, मगर अब ठीक लगता है। अब ठीक लगता है, रोड की वजह से। अच्छा, तो आपके बच्चे वगैरह? 2 लड़के हैं मेरे। 2 लड़के हैं। ये हमारे फाश साहब की बेटी यहाँ होती है, ये उनका घर है सामने। बहुत ही खूबसूरत मकान है। अभी मेरी मुलाकात उस लड़की से हुई। आप अगर गांव में जाओगे, दूर दराज गांव में, तो आपको छोटे छोटे रास्ते नजर आएंगे। तो वैसे मैं भूला तो नहीं है, फिर भी उसी रास्ते से मैं वापस आ रहा हूँ। आग वगैरह जला के रखी है, तो यहाँ पर लगता है काफी सर्दी है। हम बगियान पुल जो है बिल्कुल साथ में पहुंच चुके हैं। जब पहले हम आए थे यहाँ पर, तो उस वक्त इतनी बारिश थी, इतनी सैलाब जबरदस्त था, मुश्किल से हम बचे थे यहाँ पर। नदी के पारली तरफ ऊपर से बिल स्लाइड आई थी जबरदस्त, अभी मुझे याद आई। अब वीडियो को करते हैं एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक्स, कमेंट्स और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करें। फिर हाजिर होते हैं नए व्लॉग, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।